वैसे इस वीडियो च आप डिस्कस करांगे मैगनैटिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म मैगनैटिक फील्ड। तुसी इलैक्ट्रिक डायपोल किया हो यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड च, सेम उस तरीके दे नाल मतलब इनू सॉल्व करना है, सिर्फ टर्म्स चेंज हो जाएगी। जिथे इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ही उत्थे मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट आ जानी है, ठीक है। जिथे चार्ज हीगा उत्थे क्यू एम आ जाना है, जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड ई सीगा उत्थे बी आ जाना है, ठीक है। हुण देखो तुहाडे कोल एक डायपोल है थीटा एंगल ते, तुसी उहनू यूनिफॉर्म मैगनैटिक फील्ड च रखता होया, उहदी लेंथ किन्नी है 2L, ठीक है। मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट M, ठीक है। जिहड़ा नॉर्थ पोल है अगर उहदी आपां मान लईए पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ आ, तो उत्ते फोर्स इदां नूं लगेगी क्यू एम इंटू बी, जिदा क्यू ई फोर्स लगती है, इत्थे किन्नी लगेगी क्यू एम बी। और साउथ ते ओपोजिट डायरेक्शन च, हुण इह दोनों फोर्सिज इक्वल एंड ओपोजिट ने, इस करके उह इक कपल बनाउणगीआं ते मैगनेट नूं घुमा देणगीआं, ठीक है। और उहदे च की प्रोड्यूस हो जाएगा टॉर्क। हुण टॉर्क किहदे बराबर हुंदा, मैगनीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स किन्नी लग रही है क्यू एम बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किन्ना दोनों फोर्सिस, जैड एन, ठीक है। सो जैड एन की वैल्यू कढ़न वास्ते आपां ट्राइएंगल लवेंगे एन जैड एस, उहदे च आपां साइन थीटा की वैल्यू कढ़ांगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटन्यूज, परपेंडिकुलर हो गया एन जैड, हाइपरटन्यूज हो गया एस एन, ठीक है। एस एन की वैल्यू आ 2L, ठीक है। सो इतों जैड एन आ गया 2L साइन थीटा, ए जैड एन की वैल्यू इतने पुट करो, तुहाडे कोल टॉ आ जाएगा क्यू एम बी इंटू 2L साइन थीटा, क्लीयर। हूँ क्यू एम तो 2L नूं इकट्ठा कर लो, क्यू एम इंटू 2L किन्नी बन गई, मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट। सो टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, साइन थीटा है इस करके क्रॉस प्रोडक्ट, सो टॉ इज इक्वल टू एम क्रॉस एम वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। अगर आप बी नू वन पुट कर दिए तो साइन थीटा नू 90 पुट कर दिए, बी नू वन करता थीटा नू 90 करता तो साइन 90 किन्ना हो गया 1। सो मतलब टॉक ये बराबर आ गया एम, एम की है मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट। सो आप मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट नू टॉर्क की टर्म्स के जड़ा आ वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जी मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट कि डिफाइन करा, इट इज़ डिफाइंड एज द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैगनैटिक डायपोल। मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट के बराबर है टॉर्क के बराबर है जिहड़ा मैगनैटिक डायपोल से लग रहा है, और उस मैगनैटिक डायपोल नूं आपां 90 डिग्री मतलब नॉर्मल रख्या होया मैगनैटिक फील्ड दे, जिहदी स्ट्रेंथ किन्नी है 1 टेस्ला, ठीक है। हुण ऐसा यूनिट की होंदे ने टॉ दे न्यूटन मीटर, हुण किद्दां आए, ठीक है। टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, साइन थीटा के कोई यूनिट्स नहीं होंगे, बी दे होंदे ने टेस्ला, मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट के होंदे ने जाउल पर टेस्ला या न्यूटन मीटर पर टेस्ला, ठीक है। जाउल के बराबर हुंदा है न्यूटन मीटर, ठीक है। सो टेस्ला इनवर्स ते टेस्ला नाल कैंसल हो गया, सो आंसर इज न्यूटन मीटर। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैगनैटिक डायपोल, ये भी तुसी कीता होया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। हुण पोटेंशियल एनर्जी हुंदी की है, वर्क डन टू रोटेट द मैगनैटिक डायपोल, ठीक है। तुसी किन्ना काम किया यूनिफॉर्म मैगनैटिक फील्ड दे विच रखे मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट जिहड़ा आ मैगनैटिक डायपोल नूं रोटेट करन ते यूनिफॉर्म मैगनैटिक फील्ड विच किन्ना काम होया आ वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म दे विच स्टोर हुंदा आ, ठीक है। सो टॉक इहदे बराबर है एम बी साइन थीटा दे बराबर है, ठीक है। हुण मान लो कि डायपोल जिहड़ा रोटेट करता पिया एट एन एंगल डी थीटा, सो वर्क डन किहदे बराबर आएगा टॉ इंटू डी थीटा, टॉ की वैल्यू पुट करो, ठीक है। टोटल वर्क डन कढ़ना है एम बी साइन थीटा डी थीटा नूं इंटीग्रेट कर दो थीटा वन तो थीटा टू तक, सो साइन एम बी बाहर आ जाएगा, साइन थीटा की इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉस थीटा, ठीक है। हुण माइनस बाहर कढ़ लो की आ गया माइनस एम बी कॉस थीटा थीटा वन तो थीटा टू, अपर लिमिट पुट करो कॉस थीटा टू आ जाएगा, लोअर लिमिट पुट करो कॉस थीटा वन आ जाएगा, सो आंसर विल बी माइनस एम बी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सो यू की वैल्यू आ गई माइनस एम बी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। हुण जिहड़ा थीटा वन है अगर आपां उहनूं 90 मान लीए, थीटा टू नूं 90 मान, थीटा टू नूं थीटा मान लो, सो यू इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा टू की जगह पर थीटा आ जाएगा, थीटा वन की जगह पर 90 आ जाएगा, कॉस 90 जीरो हो गया, सो यू इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा आ गया, सो यू इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी वैक्टर, क्योंकि कॉस थीटा है इस करके एम वैक्टर तो बी वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट आएगा। नैक्सट स्पैशल केसिस करने हैं, अगर थीटा 180 पुट कर दो, इतने कॉस 180 माइनस वन हों, माइनस वन तो आ वाला माइनस प्लस हो गया, दिस इज़ द मैक्सीम पोटेंशियल एनर्जी, ए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ मैगनैटिक डायपोल का, मतलब उस पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा आ, ठीक है। से वो मतलब कि इन्नी ज़्यादा एनर्जी होने करके वो इक्विलिब्रियम च नहीं रह सकता, ठीक है। उस तो बाद थीटा जीरो पुट कर दो तो माइनस एम बी आ जाएगा, माइनस ए शोज़ मिनिमम,
सो ए आ गई मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ए जड़ा इक्विलिब्रियम होएगा मैग्नेटिक डायपोल दा वो स्टेबल होएगा।